सूरत नागपुर हाईवे नंबर 6 पर धुले से नेर तक सर्विस रोड बनाने और हाईवे से सटे गांवों को सुविधाएं मुहैया कराने के लिए धुले तालुका के आनंद खेड़े गांव के पास भारी विरोध प्रदर्शन किया गया है। इस रोड रोक आंदोलन का नेतृत्व पूर्व कृषि अध्यक्ष जिला परिषद धुले जिला परिषद संग्राम पाटिल ने किया। इस आंदोलन में बड़ी संख्या में हाईवे से सटे गांवों के किसान व नागरिक शामिल हुए। सूरत नागपुर नेशनल हाईवे नंबर 6 फोर लेन का काम पिछले कई दिनों से चल रहा है। धुले शहर से नेर गांव तक इस हाईवे के दोनों तरफ और किसानों के खेतों तक जाने के लिए सर्विस रोड का निर्माण किया जाए। साथ ही आंदनखेड़ा, कुंदाने, उड़ाने, गोटाने, संजोरी, मोराने, कुसुम्बा आदि गांव के पास बड़े घेरे बनाए जाए। किसानों और ग्रामीणों ने राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण से ऐसी मांग की थी। हालांकि राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने नागरिकों की मांगों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। ग्रामीणों और किसानों ने आज राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का विरोध किया और राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का विरोध करते इस दौरान भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती रही। इस समय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकारियों ने धरना स्थल पर प्रदर्शनकारियों से बातचीत की और उनकी मांगों को पूरा करने का वादा किया। उक्त विरोध अस्थायी रूप से वापस ले लिया गया। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने अगले 4 महीनों के भीतर सभी मुद्दों का समाधान नहीं किया तो उसे और भी तीव्र आंदोलन की चेतावनी दी है। धुळे तालुक्यामध्ये धुळे शहरापासून तर नेर गावापर्यंत राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक 6 चे चौपदरीकरण विस्तारीकरणचे काम झालेले आहे, परंतु या गावाच्या दरम्यान मध्ये अनेक गावांना जाण्यायेण्याचा मार्ग नव्हता, सर्कल दिलेले नव्हते, सर्व्हिस रस्ते दिलेले नव्हते, शेतकऱ्यांच्या शेतात जाण्यासाठी सर्व्हिस रस्ते दिलेले नव्हते। या अनेक कारणांनी समस्या बऱ्याच दिवसापासून होत्या आणि ते मार्गी लावण्यासंदर्भात खासदार मोदयांच्या उपस्थितीमध्ये 2 वेळा बैठक झाले, दौरे झाले, तरी देखील एनएचआयने ह्या गोष्टीकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केलं आणि व जनतेचं शेतकऱ्यांचं आम्हाला काही पडलेलं नाही, काही घेणं देणं नाही, म्हणून त्यांनी जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केल्यामुळे आम्हाला आज आनंदखेडा ह्या गावामध्ये बस स्थानकावर सर्व गावकऱ्यांच्या समवेत परिसरातील गावकऱ्यांच्या समवेत आम्हाला रस्ता रोको आंदोलन करावं लागलं आणि या रस्ता रोको आंदोलनामध्ये आमचे ज्या काही प्रमुख मागण्या होत्या त्या मागण्याच्या संदर्भात सर्व्हिस रस्ते असतील, खड्डे बुजण्याचे काम असतील, शेतकऱ्यांचे सर्व्हिस रस्ते असतील, जाण्यायेण्यासाठी सर्कल असेल। ब्युरो रिपोर्ट, BCN न्यूज।